सो हेलो गाइस, मैं विवेक। वेबजी एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 2 फरवरी 2020 को होगा या 19 अप्रैल को? बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होगा? और होना भी है तो क्या चांसेस बनती है कौन से तारीख को होने के? वीडियो को पूरा देखो, पूरा डिटेल से मैंने जानकारी आप लोगों के लिए ला दिया है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक और मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर कर, ये टोटली फ्री है। तो जानते हैं क्या वेबजी एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 2 फरवरी को होगा और ऐसा क्यों होगा? तो देखो, जो वेबजी का चेयरमैन है मालयेंदु साहा, ये आदमी ने इन्होंने अपने कुछ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वेबजी एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 10 वीक आगे कर दिया जाएगा। और अगर 19 अप्रैल को इसका डेट है तो अगर 10 वीक आगे कर दिया जाता है तो ये माना जा रहा है कि 2 फरवरी 2020 को होगा। 2 फरवरी 2020 क्यों? फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी जहाँ पर संडे है, तो इसलिए मैंने 2 फरवरी को इसका एग्जामिनेशन होगा। पर मेरे ख्याल से ये हो भी सकता है या नहीं भी, क्योंकि अभी भी कंफर्मेशन वेबजी के ऑफिशियल पेज पे ये नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होगा। तो देखो, ये 2019 में और काफ़ी आगे सालों से ये देखा जा रहा है। 2019 में काफ़ी लेट से हुआ था वेबजी एग्जामिनेशन, 26 मई को, और इसके कारण ऑलमोस्ट काफ़ी सीट्स फाका रह गई। और ये इसलिए होता है क्योंकि सारे बच्चे डर से अपने एडमिशन आगे करवा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वेबजी में उनका अच्छा रैंक ना आए। तो और उनके बाद एडमिशन होने के बाद उनके पास इतने पैसे होते नहीं हैं जैसे कि वो अपना दोबारा से एडमिशन करवा सके किसी भी अच्छे कॉलेज में जहाँ पर उनका रैंक आ गया है। तो इस कारण से ये काफ़ी देखा जा रहा है। तो उन्होंने ये फैसला लिया है, काफ़ी प्रोफेसर्स ने और काफ़ी कॉलेजेस ने मिल के ये फैसला लिया है कि वेबजी एग्जामिनेशन डेट को काफ़ी आगे कर दिया जाएगा, जिनसे कि मई और अप्रैल में इनका रिपोर्ट दे दिया जाएगा उनको, जिनसे कि बच्चा अपना कौन सा कॉलेज उनके लिए प्रेफरेबल है वो उससे चूज़ कर ले और वो अच्छी सी एक कॉलेज में एडमिशन ले ले। इससे कॉलेज का भी काफ़ी फ़ायदा होगा और बच्चों को भी काफ़ी नुकसान होने से बचेंगे। अब बात करते हैं क्या होना ऐसा पॉसिबल है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से ऐसा पॉसिबल नहीं है और वेबजी एग्जामिनेशन डेट 2 फरवरी को नहीं होगा। मैं ऑलमोस्ट 80% गारंटी देता हूँ कि वेबजी एग्जामिनेशन 2 फरवरी को नहीं होगा। देखो, अगर वेबजी एग्जामिनेशन काफ़ी आगे भी चले जाता है तो मेरे ख्याल से अप्रैल के 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन इतनी आगे नहीं हो सकती। कुछ बात करते हैं कुछ पर्सपेक्टिव्स को लेकर। देखो, सीबीएसई का एग्जामिनेशन लास्ट ईयर कुछ 2 अप्रैल के 2 फरवरी के आगे हुआ था, और अगर कभी भी कोई एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन को टच करेगी तो वैसा एग्जामिनेशन वैलिड नहीं किया जाएगा। अगर आप एक बाहर के स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप अगर कोटा में पढ़ रहे हैं या आप गुजरात में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से अगर आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2-4 दिन बाद है, आप वहाँ पर वेस्ट बंगाल सफ़र करके नहीं आएंगे एक एग्जामिनेशन को देने, जिनसे कि इनका भी काफ़ी लॉस होगा। तो अपना लॉस कोई नहीं देखता गाइस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और हेंस ये वेबजी एग्जामिनेशन 2 फरवरी को होना 80% नो चांसेस। ऐसा अभी भी सिर्फ अनाउंस किया गया है चेयरमैन से, मिस्टर साहा ने ये अनाउंस किया है, पर ऐसा अभी भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। तो आप लोग अभी भी अपना कोशिश जमाए रखें, वेबजी एग्जामिनेशन की कोशिश में करते रहें, क्योंकि इनका सिलेबस कोई ज़्यादा अलग नहीं है दूसरे भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, तो आप इनकी प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। और भी कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हर एक वीक में एक ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस आती हैं हमारे चैनल पे, और कभी कभी मैं लाइव भी आता हूँ जहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं उसकी काफ़ी ही रिसर्चेस करके आप लोगों के लिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स बना के लाता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या कहते हैं गाइज, हाय या बाय।